नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज़ वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। बाजार में रूस यूक्रेन युद्ध पर पड़ रहा गहरा असर, भागलपुरी रेशम के दुपट्टे और कपड़े पर लग रहा ग्रहण, व्यवसायी जल्द युद्ध खत्म होने का कर रहे हैं इंतजार। भागलपुर के सिल्क उद्योग पर भी रूस यूक्रेन युद्ध का गहरा असर पड़ा है। भागलपुरी रेशम के दुपट्टे की मांग थी यूक्रेन में। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भागलपुरी रेशम की मांग होने की वजह से भागलपुर के बुनकरों को कई देशों से भागलपुरी रेशम के कपड़े एवं दुपट्टों का ऑर्डर मिलता था। खासकर यूक्रेन में भागलपुरी रेशमी कपड़े और दुपट्टों की काफ़ी ज़्यादा मांग थी। उस वजह से भागलपुर के बुनकर दुपट्टे व रेशम के कपड़े तैयार कर कोलकाता, दिल्ली और कई बड़े शहरों में काम करने वाले एक्सपोर्टर्स को भेजते थे। बुनकरों से बात करने के दौरान पता चला कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़े शहरों के एक्सपोर्टर्स के ऑर्डर मिलना पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। बुनकर जब एक्सपोर्टर्स से बात करते हैं तो एक्सपोर्टर्स का कहना है कि भागलपुरी रेशम और दुपट्टे की यूक्रेन में काफ़ी ज़्यादा मांग थी। युद्ध जैसे हालात पैदा होने के बाद से ही यूक्रेन के ऑर्डर आने बंद हो गए हैं, जिसका सीधा असर भागलपुर के रेशम बाजार पर पड़ा है। साथ ही साथ बुनकरों की आर्थिक हालत भी काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है। अभी बुनकरों के पास सिर्फ स्थान के छोटे मोटे ऑर्डर्स ही हैं। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। रसिया युद्ध तो दोनों देशों से हो रही है, तो दोनों देशों में अफेक्टेड कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। तो रसिया भी अभी स्टॉप किया है और यूक्रेन भी अभी स्टॉप। यूक्रेन से तो सारा काम ही बंद हो चुका है। जैसे लिनन वगैरह हम लोगों का जाता था यहाँ से, लिनन की शटिंग में कुर्ती बनने के लिए कपड़े फैब्रिक जाते थे, ये सब पूरा बिल्कुल अभी स्टॉप हो चुका है। तो काफ़ी मात्रा में बल्क में ऑर्डर आता था हम लोगों का, तो अभी स्टॉप हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ 1।